बेसन की बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में डाल लेंगे 250 ग्राम सफ़ेद तिल और अब हम इसे चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे। हमें ज़्यादा नहीं रोस्ट करना है, हल्का ही रोस्ट करना है जिससे कि तिल का कच्चापन दूर हो जाए। तो लगभग आपको 3 से 4 मिनट लगेंगे तिल को रोस्ट करने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तिल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और तिल से बनी मिठाइयाँ तो सर्दियों में हर घर में बनाई जाती हैं। तो आप एक बार इस रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 3 से 4 मिनट में तिल अच्छे तरीके से रोस्ट हो गए हैं। अब इससे ज़्यादा रोस्ट नहीं करेंगे, अब इनका थोड़ा टेम्परेचर डाउन होने देंगे। जैसे ही टेम्परेचर डाउन हो जाएगा हम ये तिल एक जार में डाल लेंगे और अब हम इन्हें पीस लेंगे। ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, थोड़ा दरदरा ही पीसिएगा इन्हें। देखिए इस तरीके से पीसना है हमें तिल को। अगर तिल की क्वांटिटी ज़्यादा हो तो आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करके 2 बार में पीस लें। अब यहाँ पर मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ 1/2 कप पानी। तो यहाँ पर 1/2 कप पानी डाला है मैंने और अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 500 ग्राम गुड़। यहाँ पर मैं मिठाई बनाने के लिए गुड़ का ही यूज़ कर रही हूँ, चीनी नहीं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि चीनी के कंपैरिजन में गुड़ हेल्दी होता है और गुड़ का टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। मुझे तो गुड़ का टेस्ट बहुत पसंद है, आप भी एक बार इस तरीके से ही ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा इस बर्फ़ी का टेस्ट। तो अब हमें इसकी चाशनी रेडी करनी है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लगभग 10 से 12 मिनट लगेंगी और चाशनी बनके तैयार हो जाएगी। लेकिन एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि चाशनी बिना तार वाली बननी चाहिए। जब आप टच करके देखेंगे चाशनी को तो उसमें तार नहीं बनना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर इसे लगभग 10 से 12 मिनट ही पकाया है मैंने भी, तो एकदम परफेक्टली चाशनी बनके रेडी हो गई है। तो अब फ्लेम को कर दीजिए बंद, इससे ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे। मैंने चेक भी कर लिया था, तार नहीं बन रहा है इसमें। अब इसका थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन होने देंगे हम। तो अब मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है और कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ देसी घी। तो यहाँ पर मैंने टोटल 3 चम्मच देसी घी डाला है और अब मैंने यहाँ पर इसमें डाल दिया है 250 ग्राम बेसन। तो हमें बेसन को अब इस तरीके से करछी की मदद से चलाते हुए पकाना है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस प्रोसेस में, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 15 मिनट लगेंगी। अगर आप क्वांटिटी ज़्यादा ले रहे हैं बेसन की तो ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, लेकिन अगर इतनी ही क्वांटिटी लेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको अपने आप पता लग जाएगा जैसे ही बेसन पक के रेडी हो जाएगा, इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। धीरे धीरे आप अपने आप ही देखने लगेंगे कि इसका कलर चेंज होता जाएगा, लेकिन इसे चलाते हुए ही भूनना है, इसे एक जगह पर मत छोड़ दीजिएगा। तो बेसन एकदम अच्छे तरीके से पक के रेडी है, इससे ज्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे। फ्लेम को कर दीजिए बंद। अब यहाँ पर चाशनी का टेम्परेचर डाउन हो चुका है, ये तिल हमने पीस के रखे हुए थे और यहाँ पर ये जो बेसन हमने अभी पकाकर रेडी किया है। अब इसके बाद जो हमारा लास्ट सेकंड स्टेप है, यहाँ पर मैंने एक ट्रे ली हुई है और उसमें मैंने यहाँ पर घी लगाकर रख लिया है। आप लोग इसकी जगह पर कोई भी थाली भी यूज़ कर सकते हैं बर्फ़ी जमाने के लिए। अब ये जो बेसन है इसमें सबसे पहले मैं ये गुड़ की चाशनी डाल रही हूँ। एक साथ सारी चाशनी मत डालिएगा, धीरे धीरे ही हम इसमें चाशनी ऐड करेंगे जितनी ज़रूरत होगी और इसे इस तरीके से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि चाशनी प्रॉपरली ठंडी नहीं करनी है हमें। अगर ठंडी हो जाएगी तो मिक्स करने में प्रॉब्लम आएगी, तो इसीलिए चाशनी अभी थोड़ी गर्म भी है और बेसन भी गर्म है, इसीलिए मैं यहाँ पर इसे करछी की मदद से मिक्स कर रही हूँ। एकदम प्रॉपरली अच्छे तरीके से मिक्स करना है हमें इसे। तो देखिए इस तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ज़्यादा चाशनी मत ऐड कीजिएगा एक साथ, इसीलिए मैंने आपको कहा है। एकदम परफेक्टली ये यहाँ पर मिक्स हो गया है। जैसे ही ये मिक्स हो जाएगा, जो हमने तिल पीस के रखे हैं वो सारे तिल अब हम इसमें डाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने तिल भी इसमें डाल दिए हैं और अब हम तिल को भी इसमें मिक्स कर लेंगे। जैसे ही हम तिल को इसमें मिक्स कर लेंगे हम लोग देखेंगे कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो चेंज हो चुकी होगी। देखिए यहाँ पर मैंने तिल को भी इसमें मिक्स कर लिया है। अब ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है, जल्दी से हमें इस बर्तन में डाल लेना है।
तो फटाफट से इसमें ये डाल लीजिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसे प्लेन करके इसके ऊपर पिस्ता से गार्निश कर दिया है। ऑप्शनल है, अगर आप ना गार्निश करना चाहें तो ना करें। और फिर उसके बाद इसे लगभग 1 घंटे के लिए मैंने जमने के लिए रख दिया था। और 1 घंटे के बाद मैंने यहाँ पर इसे कट किया है। तो देखिए एकदम प्रॉपरली कट हो रही है ये। अब यहाँ पर मैं इसे बर्फ़ी के पीसेस में कट कर रही हूँ। आप लोग जितने बड़े साइज़ के पीसेस कट करना चाहें आप लोग उतने बड़े साइज़ के पीसेस कट कर सकते हैं। एकदम परफेक्ट बर्फ़ी बनके रेडी हो गई है। इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसे बनाने में। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।